उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किसान ओमवीर सिंह दशकों से अपने पुरखों की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अपने पिता और आज अपने पड़ोसियों से इतर इनकी उपज कुछ अलग ही होती है। इसने लोगों का ध्यान भी खींचा है। हमें CDO साहब, DM साहब ने, जेलर साहब ने हमको पूरा सम्मानित किया और हमारा आलू था फर्स्ट नंबर पर आया। तो लंबाई आलू की इतनी थी कि वहाँ और भी सैंपल रखी हुई थी, उनमें सबसे फर्स्ट नंबर हमारा आलू आया था। उनके खेत की सीमाओं से आगे हर दिशा में मीलों तक विशाल खेत फैले हुए हैं, जहाँ हर साल हजारों टन उपज होती है, ज्यादातर एक ही किस्म की। ये खेती बड़े बड़े उपकरणों, पानी, खाद और कीटनाशकों पर निर्भर है, जिनका इस्तेमाल साल दर साल बढ़ता जाता है। लेकिन ओमवीर सिंह के खेतों में ये सब इस्तेमाल नहीं होता और ना ही ये आम खेतों जैसे दिखते हैं। ओमवीर नेचर फार्मिंग करते हैं, जिसके लिए संतोष कुमार सिंह ने उन्हें प्रेरित किया था। मल्टी क्रॉपिंग का कंसेप्ट जो है नेचुरल फार्मिंग में, उसको हम लोग डेवलप लगातार करवा रहे हैं। बैक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रूट फॉरेस्ट को भी तैयार करा रहे हैं। इसमें 11 प्रकार के फ्रूट को हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। उसके बीच में हम लोग यहाँ मल्टी क्रॉपिंग में अभी देख रहे हैं, सौंफ को लगा रखा है, साथ में पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में फोडर हम लोगों ने बरसीम को लगा रखा है। तो क्या है कि मल्टी क्रॉपिंग के कारण से फ्रूट्स को जो फॉरेस्ट डेवलप हो रहा है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम हो रहा है और साथ ही साथ एक इनकम का भी जरिया उसमें बन रहा है। नेचर फार्मिंग का मूल विचार जंगल की विविधता की नकल पर टिका है। इंसानी और खास तौर पर केमिकल के दखल से हर मुमकिन परहेज किया जाता है। संतोष कुमार सिंह अपने कोऑपरेटिव ब्रज किसान FPO के साथ नियमित वर्कशॉप करते हैं। यहाँ किसानों को नेचर फार्मिंग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। पानी लेंगे और उसको एक एकड़ में स्प्रे ड्रम मिल जाता है। किसान अमन चौहान नियमित रूप से वर्कशॉप में जाते हैं। वो अपनी खेती में नेचर फार्मिंग के तरीके लागू करना चाहते हैं। गौमूत्र और पानी को मिलाकर वो अपने खेत में एक अच्छी लिक्विड खाद तैयार करते हैं। नालियों के जाल के साथ इसे खेतों में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की खपत भी कम होती है। खेत के जिन हिस्सों में खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो गई है, वहां वो गाय का गोबर डालते हैं। पौधों को कीटनाशक से बचाने के लिए नीम का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बेसिकली मैं खेती ही कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल से मैं लगभग प्राकृतिक खेती की तरह मेरा रुझान हुआ है और मैं आज तकरीबन धीमे धीमे सारा जो मेरे पास जितना भी खेत है, मैं उसको 70% तक मैं जीवित मतलब प्राकृतिक खेती पर लेके जा चुका हूँ। क्योंकि अभी तो वो ज़मीन हमारी DAP और यूरिया की है, तो हमारा तो वही प्रोडक्शन आ रहा है, लेकिन अब जब हम लागत कम करेंगे और जब हम देखेंगे प्रोडक्शन को, तो स्वाभाविक सी बात है कि लागत हमें कम होगी और मुनाफा आएगा। शुरुआत में प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल मुश्किलों भरा लग सकता है। बार बार जोतने, खाद या कीटनाशक डालने और एकल खेती करने जैसे औद्योगिक फार्मिंग के तरीकों से बर्बाद हो चुकी मिट्टी को नए तरीकों में ढलने में समय लगता है। शुरुआती पैदावार गिर भी सकती है। इससे कई किसान परेशान हो जाते हैं, खासकर जो भारी कर्ज से दबे हैं। लेकिन संतोष कुमार सिंह कहते हैं कि ये बदलाव रोका नहीं जा सकता। वो फिलहाल देसी मिट्टी के मिक्सचर और पानी की कम जरूरत वाले बीजों की किस्मों का आकलन कर रहे हैं। ये ज्यादा असरदार और मिट्टी को सेहतमंद बनाने वाले होते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति का मापदंड जो है वो OC ऑर्गेनिक कार्बन होता है, वो लगातार घटता चला जा रहा है। उस कार्बनिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है प्राकृतिक खेती। इसलिए अंतोगत्वा अगर हमें खेती आने वाले भविष्य में बचा करके खेती को रखना है, अनाज करना है, तो हमें प्राकृतिक खेती पे आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो आने वाले कुछ समय बाद। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार कुदरती खेती अपनाने वाले किसानों की कुछ मदद कर रही हैं। अब सरकार ग्राहक तलाशने में उनकी मदद करेगी। जो भी हमारे किसान भाई, चाहे वो किसान संगठन हो या कोई और किसान भाई, अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता करके उसका उत्पाद बेचना चाहता है, तो उसके लिए वहाँ उत्पाद बेचने के लिए उनको कक्ष आवंटित किए गए हैं। मौजूदा हालात में भारत में खेती के परिदृश्य को बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। इसके लिए किसानों और उपभोक्ताओं के बीच कुदरती खेती के तरीके ज़्यादा स्वीकार्य बनाने होंगे। ओमवीर सिंह और संतोष कुमार सिंह
अपनी पिछली फसल की मात्रा और क्वालिटी का मुआयना कर रहे हैं। उनकी इस बार की फसल पूरी तरह से कुदरती तरीकों के इस्तेमाल से उगाई गई थी। इस प्रक्रिया में उन्हें जो भी सबक मिले हैं, वे सारे सबक अगली बुआई के दौरान उनके काम आएंगे। नए नए बीजों की हमें जानकारी मिली है, कैसे खेती करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे मतलब वो करना है, नीचे खाद कौन सा लगाना है। लेकिन हम यूरिया डीएपी ऐसे खाद नहीं लगाते, ज़्यादातर हम देसी जो चीज़ें हैं उनको खेतों में डालते हैं। ये हुआ कि हमारी कम लागत में और दूना लाभ प्राप्त हुआ। एक साथ पहले हम खेती करते थे तो केवल एक ही खेत में एक ही फसल लगाया करते थे। अब एक साथ हमारी दो दो फसलें हो रही हैं तो ये तो एक्चुअली है कि लाभ तो दूना होगा ही होगा। औद्योगिक खेती से घटती पैदावार से निपटने और जूझते किसानों की आमदनी बेहतर बनाने के लिए भारत को तत्काल रूप से एक सस्टेनेबल और असरदार कृषि व्यवस्था की जरूरत है। किसानों का कोऑपरेटिव अभी नया ही है, लेकिन उसके तरीके दमदार हैं। ये मिट्टी और मिट्टी के रखवालों दोनों के लिए अच्छा है।